अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्लास एट मैथ के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमने कंप्लीट की कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। आप आज एक्सरसाइज नंबर 8.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक एम्प्लाई है यानी एक काम करने वाला मुलाजम है, उसकी अचानक से तनख्वाह जो है वो बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है, वो 10% बढ़ जाती है। ठीक है, जो उसकी असल सैलरी थी उससे 10% उसको ज्यादा करके दे रहे हैं हम। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, अगर अब उसकी 10% बढ़ा के कितनी सैलरी बन गई, अब नई सैलरी जो ले रहा है 1,54,000, तो बताइए उसकी पहले वाली सैलरी क्या थी, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। बड़ा ही इजी है, आप देख लीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से पहले, इंक्रीमेंट एक तोहफा होता है ना, तो वो जब उसको मुलाजम को दिया जाता है वो साल के बाद, तो वो कितना है, कितना हो सकता है बी, हम इसको फर्ज करते हैं 100 रुपया। कितना 100 रुपया आरएस 100 रुपया। ठीक, और अगर उसकी इंक्रीज जो सैलरी है, इंक्रीज इन सैलरी, तो हम देखेंगे वो हम कर लेते हैं 10% की जगह 10 रुपए, कितने कर लेते हैं 10%। तो अब क्या है, इंक्रीज्ड सैलरी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, देखते जाइए। इंक्रीज्ड सैलरी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बन जाएगी इज इक्वल टू आर एस 100 प्लस वो 10%। पहले की सैलरी मान लो 100 थी, अब उसमें ऊपर 10 और चढ़ा दी उन्होंने, 10% 10 रुपए यानी, तो अब उसकी टोटल सैलरी जो होगी वो बन गई, ये फर्ज किया हमने 110 रुपए, कितनी बन गई 10 रुपए। तो अब हम देखेंगे इफ द इंक्रीज्ड, अब ये जो चढ़ी हुई सैलरी है, बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000, ये हम उसकी ओरिजिनल सैलरी है, देन हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू, अब उसकी ओरिजिनल सैलरी हमने निकालनी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हम देखेंगे 100 बटा फार्मूला के तहत जाएंगे, 110 जरबे 1,54,000, 1,54,000 ये इसकी ओरिजिनल सैलरी का हमने अब निकाल के दिखाना है। तो बड़ा इजी, आप ये जीरो भी उठा लो, ये जीरो भी उठा लो, ये जीरो भी उठा लो, यानी ये जीरो भी गया, दो तो रहेंगे, इसका भी जीरो गया और इसका भी जीरो गया, अब नीचे रह गया 11, ऊपर रह गया 10 जरबे इसको करो, आप इसको डायरेक्ट करो 10 जरबे 1,54,000। ठीक है, एक जीरो हमने उठाया तो ये बन जाएगा 1,54,000, तीसरा जो जीरो है वो इसका 10 का जाएगा, बटा 11, अब इसको डिवाइड करो, 11 इकाई 11 बच के कितने 4, 15 में से 4 44 आगे 3 0, तो उसकी हाँ कितनी बन गई 44, ये कितने थे 1,54,000, हाँ तो ये आपका जीरो लगेगा और ये अब बन गई 1,40,000, कितनी बन गई 1,40,000। अब देखिए जो ये उसकी ओरिजिनल सैलरी थी पहले वो कितनी थी 1,40,000, तो अब जो इसको 10% चढ़ा है तो अब बन गई वो 1,54,000। तो हमसे पूछा गया था कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, तो हमने इसको फार्मूला के तहत आके
और इसको कितना दिखाया, 1,40,000। तो अब हमें ये पता चला कि 10% से उसको कितना लगभग फायदा हुआ। तो अगर 1,40,000 है तो हम उसको माइनस 1,54,000 करेंगे। तो अब इसको तफरीक करो, 0,0,0,4, 5 में से 4, 1, यानी 14,000 का इसको फायदा हुआ 10% के हिसाब से। तो ये हमारा आंसर था। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, हेंस हिज ओरिजिनल सैलरी वाज कितनी थी, RS 1,40,000। ठीक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। आप आपका पेज नंबर 136 to 137 है, आप देख लीजिए। तो आप ये अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए घर में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ओके।